करेरा में चुनावी घमासान जोरों पर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां ही चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी जसमंत जाटव ने कई गांव में जनसंपर्क कर बीजेपी को वोट देने की अपील की है। जसमंत जाटव ने कहा कि देश और प्रदेश के विकास के लिए बीजेपी जरूरी है। इस दौरान मंडल अध्यक्ष हेमंत शर्मा, बीजेपी नेता वी के गुप्ता और धनीराम यादव भी मौजूद रहे। आज देश को और प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। आज देश में माननीय मोदी जी की जरूरत है, प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की जरूरत है, श्रीमंत सिंधिया जी की जरूरत है। और जब इन लोगों की जरूरत है तो मैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिताना होगा। मैं आपसे वचन देता हूँ कि आपकी सेवा के लिए जैसे तत्पर मैं रहा हूँ पूरे समय से, ऐसे तत्पर मैं बना रहूँगा। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा, आपको कभी निराश नहीं करूँगा, आपको कभी दुखी नहीं करूँगा। इस गांव के लिए, गांव गरीब और किसान की सरकार, ये जनहित ऐसी सरकार पूरी मजबूती के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ, मजबूत बहुमत के साथ, निरंतर शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में एक गांव गरीब और किसान का कल्याण हो पाए, किसानों की भलाई हो, नौजवानों की भलाई हो, सबके लिए सरकार काम करे।